अस्सलाम वालेकुम, उस्मान कयूम हियर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑल ऑफ यू। प्लीज अपने माइक्स को म्यूट कीजिएगा, ठीक है? कोई आवाज नहीं आ रही है? क्या क्लास स्टार्ट हुई है कि नहीं? जी बच्चे, कुछ देर वेट कीजिएगा, अभी थोड़ी देर में सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है? और अपने माइक प्लीज सब म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है मैडम, ओके। मैडम क्या वीडियो ऑन कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहली दरख्वास्त तो आप सबसे ये है कि आप सब कर्सर अपनी स्क्रीन के दरमियान में लेके जाते हैं तो सामने एक बार ओपन होती है जिसमें कैमरे का निशान बना हुआ है, माइक का निशान बना हुआ है। तो आप ये कैमरा और माइक इन दोनों पे क्लिक कर दें ताकि ना जो है वो तस्वीर आए और ना आवाज, जब तक कि हमें जरूरत ना हो, ठीक है? चूंकि हम ऑनलाइन बैठे हैं, हमारे साथ यहाँ पर कराची से लेके गिलगित तक के लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, तो
जब हमें जरूरत होगी, हम सब ने अपनी अपनी बात कहनी होगी, तो हम उस टाइम पे अपना माइक जो है वो ओपन कर लेंगे। कैमरा जो है वो सिर्फ अगर हमारी प्रेजेंटर वो अगर चाहेंगी तो वो अपना कैमरा ऑन कर लें। दूसरी चीज ये, इसी बार में आपको एक हाथ का निशान नजर आ रहा है। अगर आपको अपनी कोई भी बात कहनी है, कोई पॉइंट है आपके जहन में, तो आप इस हाथ के निशान पे जब क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप कोई बात कहना चाह रहे हैं, तो फिर हम आपके आपको टर्न देंगे, आप अपनी बात कह लें, चाहे सेशन के एंड पे वो टर्न आए या जब भी प्रेजेंटर को लगेगा वो आपको आपकी टर्न दे देगा। जब आप अपनी बात कह चुके हैं तो आप अपने हाथ के निशान पे दोबारा जो है क्लिक कर दीजिएगा। अभी उसामा कयूम ने क्लिक किया था, आई थिंक वो चेक कर रहे हैं ठीक है कि वो हाथ का निशान किस तरह से आ जाता है, तो हमें पता चल जाएगा कि आप अपनी कोई बात कहना चाह रहे हैं। इसी हाथ के निशान के साथ आप देखेंगे कि मैसेज का निशान बना हुआ है। कोई बात अगर आप ड्यूरिंग द सेशन कहना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि सेशन का वक्त कम है और हम सब लोगों ने एक दूसरे की बात को सुनना है और मिस तंजीला जो आज की रिसोर्स पर्सन है उनसे बातों को समझना है, तो आप कोई बात साथ लिख भी सकते हैं जो कि हम सब तक पहुंच जाएगी कि आप ये बात या ये बात ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया कि ये जो हमारा आज का सेशन है इसके ये SOPs हैं। आप अपना माइक, अपना वीडियो के निशानों के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि वो बंद रहे, अनलेस कि आपको बारी दी जाए कि आप अपनी बात कहें। अपनी बात कहने के लिए आप हाथ के निशान पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए आप कोई बात कहना चाह रहे हैं। अगर फिर भी नहीं तो फिर आप ये जो मैसेज का निशान है वहां पे क्लिक करें और मैसेज लिख दें, तो आपकी बात हम सब तक पहुंच जाएगी। हम सब ने इससे पिछले सेशन में भी हम सब इकट्ठे थे, तंजीला अगर आप मेरी बात सुन रही हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ मोस्टली जो है वो ट्रेनीज हैं, दीज आर यंग ट्रेनीज, और इसीलिए हमने इस टॉपिक का भी इंतखाब किया कि जब हम 18 या 25 या 30 की एज में होते हैं तो वी फाइंड इट वेरी मच डिफिकल्ट कि हमें जिंदगी में जो छोटे छोटे मसले मिसाइल आते हैं वो हम अपनी महदूद, चूंकि हमारा उस वक्त एक्सपोजर बहुत कम होता है, हमने दुनिया बहुत थोड़ी देखी होती है, तो हमें फैसले करने में बड़ी मुश्किल आती है, मसलों के हल निकालने में बड़ी मुश्किल आती है। तो आपने कहा क्रिएटिविटी को यूज कर सकते हैं, ये क्रिएटिविटी क्या होती है, हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी बातें जानने के लिए हम जो है ये सेशन हैंड ओवर करेंगे मिस तंजीला खान को। तंजीला पहले आप अपना तारुफ करवा दीजिएगा हम सबके साथ और फिर जो है वो प्लीज प्रोसीड। थैंक यू वेरी मच तंजीला एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एंड ऑल डियर एंड रिस्पेक्टेड ट्रेनीज एंड अवर कुलीग्स फ्रॉम हाशु फाउंडेशन। ओवर टू यू तंजीला। तंजीला आई थिंक मिस तंजीला के इंटरनेट में कोई मसला ना हो, उनकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम तंजीला, आप सुन रही हैं? जी जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। जो मैंने इतनी लंबी एक तकरीर और तम्हीद बांधी है, आई होप कि आपने सुनी है। मैंने बहुत गौर से सुनी और आपने इतनी मोहब्बत से वेलकम किया मुझे और सारे ट्रेनिंग को, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि हाशु फाउंडेशन मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है और मैंने जितना अरसा भी हाशु के साथ काम किया है मेरे लिए बहुत खुशी रही है। और जितने भी मेरे कलीग्स रहे हैं उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अपने अपने रीजन की जो वैल्यूज हैं वो उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट दी हैं। तो आप सबको मैं कहना चाहूँगी कि आप सब जो यहाँ पे मौजूद हैं अपने एसेंस को लेकर आए हैं, तो हम सब ने एक दूसरे के साथ सीखना है। इसके साथ ही हम इस सफर का आगाज करते हैं। क्रिएटिविटी का जिक्र किया जुनैरा ने, अगर हम आम सी इसकी डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन है कि अपने इमेजिनेशन को यूज करते हुए आप कुछ क्रिएट करें, कुछ बनाएं। अब अगर थोड़ा प्रैक्टिकल इसका यूज देखें तो थोड़ा सा मैं आपको अपनी जिंदगी का हवाला देती हूँ।
जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं आपको बताऊं कि मैं व्हीलचेयर पे हूँ, मेरी एक डिसेबिलिटी है टांगों की. और जब मैं बड़ी हो रही थी तो ऑफकोर्स बहुत सारे मसले मसाए मेरे सामने आए जिनके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, कोई भी नहीं होता, और ऐसा कोई एग्जाम्पल भी मेरे सामने मौजूद नहीं है जिसको मैं देख के फॉलो कर सकूँ. तो मेरे मुताबिक ये क्रिएटिविटी का एक स्किल था, ये एक प्लेफुलनेस थी जिसने मुझे बहुत मदद दी, और कोई भी मसला मेरे सामने आया तो इस तरह से उसको हैंडल किया कि वो ना सिर्फ मसला सॉल्व हो बल्कि एग्जाम्पल बन जाए. और फिर इस तरह से सॉरी मैंने हाथ खड़ा किया, शायद वो नहीं नोटिस हुआ. मैं असल में ये कहना चाह रही थी कि हमारे साथ यहाँ पर कराची से गिलगित तक के ट्रेनिंग हैं, ट्राइबल एरिया से ताल्लुक रखने वाले बच्चे भी हैं, एंड मोर देन 60 अभी जो है वो पार्टिसिपेंट्स इस वक्त हमारे साथ हैं. दे मे हैव लैंग्वेज बैरियर्स कुछ थोड़ा सा, तो उसमें ये है कि अगर आप थोड़ा ज्यादा सादा कर दें डिसेबिलिटी को कुछ, ताकि बच्चे रिलेट कर सके अपनी जिंदगियों के साथ उन सारी चीजों को. ठीक है, ठीक है, थोड़ा सारा ताकि मेरे जैसे लोग जिन्हें बात मुश्किल से समझ आती है हमें भी जरा, मुझे भी जरा समझ आ जाए. कोई मजा नहीं, मैं थैंक यू आसान उर्दू में कर देती हूँ. हाँ बिल्कुल, थैंक यू, कोई मसला नहीं. अच्छा तो मैं बात कर रही थी अपनी माजूरी की, क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे हूँ. तो क्रिएटिविटी एक ऐसा लफ्ज़ है, लेकिन एक ऐसा स्किल है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये हमारी मदद कर सकता है. शायद आपने ये लफ्ज़ सुना हो उन लोगों के लिए जो कोई आर्टिस्ट है या कोई राइटर है या कोई वो फिल्मों में आते हैं या वो मुजस्मे बनाते हैं या वो पेंटिंग्स बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, जब से कायनात बनी है अगर इंसान क्रिएटिव ना होता, अगर इंसान अपने ज़ेहन को ना इस्तेमाल करता तो वो ज़िंदा ही नहीं रह सकता. इंसान ने अपने ज़ेहन का इस्तेमाल किया, इधर उधर हाथ पैर मारा, फिर उसने देखा कि अच्छा ये आग ऐसे बनती है, अच्छा चलो मैंने ऑफकोर्स अल्लाह ने अकल दी लेकिन थोड़ी सी कोशिश खुद से भी इंसान ने की. ठीक है ना, तो ये जो स्किल होता है ना कि किसी भी आप अगर मुश्किल में हैं तो उसको आपने एक क्रिएटिव इंसान की तरह सोचना है और उस मसले को हल करना है, चाहे वो आपका कोई जाती मसला हो या आपका कोई आपके वर्क प्लेस पे आपके इदारे में मसला हो. ठीक है, तो अब चूंकि हमने आसान अल्फाज से बात करनी है तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ. एक कैरेक्टर है, किताब का एक कैरेक्टर है, उसका नाम है शर्लक होम्स. ठीक है, और वो अंग्रेजी के कुछ नावल आते हैं, उनका एक कैरेक्टर है. आप में से किसी ने सुना है उसका नाम? अगर आप चैट में मुझे यस या नो करके बताइए तो बहुत अच्छा होगा. अगर साथ साथ आप मुझे लिख के फीडबैक भी दें तो मुझे पता चलेगा कि आप सब मेरे साथ हैं. ठीक है, हम साथ साथ कंटिन्यू भी रखते हैं. तो ये एक किरदार था और इसके जो कहानियाँ थी वो थी डिटेक्टिव रिलेटेड, कोई मिस्ट्री हो, कोई ऐसी कहानी जिसमें कोई केस सॉल्व करना हो, कोई पुलिस का केस हो, कोई ऐसे कोई अजीब बात जिसको आपने हल करना है. तो इनकी जो कहानियाँ थी शर्लक होम्स की कुछ उससे रिलेटेड थी. अब इस किरदार का जो राइटर था उसका नाम था आर्थर कॉनन. ठीक है, और उन्होंने इस कैरेक्टर को बनाया, फिर इस पर कई कहानियाँ लिखी, उनको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई. लेकिन एक लम्हे में आके उन्होंने सोचा कि अच्छा बस बहुत हो गया, अब मैंने कोई और भी काम करना है. तो उस वक्त वो हिस्टोरिकल नावल भी लिखना शुरू हो गए. तो उन्होंने सोचा कि ये इस कैरेक्टर को मैं ख़त्म कैसे करूँ. तो उन्होंने जब एक किताब लिखी तो उसमें लिखा कि अब ये जो कैरेक्टर है शर्लक होम्स का, ये एक फलानी जगह पर गया और फिर कभी वापस नहीं आया. और वो किताब उन्होंने छाप दी, वो चलेगी बाहर मार्केट में. जब लोगों ने वो किताब पढ़ी तो उन पे इतना ज़्यादा असर हुआ इस बात का कि उन्होंने उनके घर के बाहर आकर एक क्या से कहते हैं, धरना दे दिया. उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो किरदार है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसको आप वापस लेकर आए. तो ये बहुत एक बड़ी बात थी, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो किरदार था ये किसी की जहन का एक आगे प्रोडक्ट था, किसी जहन का एक आगे नमूना था, ये कोई असल इंसान नहीं था. लेकिन फिर भी इसने सब पे इतना ज़्यादा असर किया
कि उन्होंने इस तरह का एक एक्शन लिया, और उसके बाद जो ये राइटर थे आर्थर कॉनन, इन्होंने मजबूरी में आके दोबारा से उस किरदार को जिंदा किया, उस पर कहानियां लिखना शुरू की, और फिर अगले दिन खबरों में आया कि शर्लक होम्स ICU में है, हालांकि वो एक इमेजिनरी किरदार है। और फिर उन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी जो कि काफी मशहूर हुई, उनमें से एक तो मुझे मेरे स्कूल में भी लगी थी जो उन्होंने बाद में लिखी थी। अब सबको ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि ये हमारे जहन की ताकत है, और बात सिर्फ इतनी है कि ये जो राइटर थे इनके पास एक दिमाग था और वो उसको इस्तेमाल करते थे, और वो हम सबके पास है। तो हमने अपने जहन को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि हम ना सिर्फ मसलों को सॉल्व करें बल्कि पूरे पूरे एग्जाम्पल सेट करें, पूरी तरह से हम लोग ऐसे अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोई गाइडलाइन छोड़ के जाएं, तो ये हमारे होने का बेहतर एक एग्जिस्टेंस होगी। आप सब लोग मेरे साथ हैं? यस मैम। जी मैडम। आई थिंक हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक कहानी। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, अब हम एक, ये तो मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल देनी थी, अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप सबके पास पेन मौजूद है? ठीक है। आपसे सवाल पूछती हूँ कि एक पेन का काम होता है लिखना या पेंसिल का काम होता है लिखना। आप जरा अपने ज़हन में सोचें कि आप उस पेन या पेंसिल से और क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, जरा आप एक मिनट लें और ये आप मुझे सोच के बताएं, और अगर आप ये लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, या फिर अपना हाथ खड़ा करके हमें बता दें तो ये भी बहुत अच्छा होगा। हाँ जी बिल्कुल, जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं वो अपना माइक ओपन करके जल्दी से जवाब दे के माइक बंद कर दें ताकि बाकी लोग भी कह सकें। जरूरत पड़ने पर किसी को मार सकते हैं मेरा। हाय अल्लाह, क्या बात है। अच्छा जी, और मैम आई वांट टू टेल, इसमें तो ये है कि एक दो दफा मैंने देखा था गवर्नमेंट इदारे में किसी क्लर्क को ना ये पेंसिल के साथ कान खुल जाते हुए देखा था। Okay, और हॉस्टल में अपने कुलीग को पेंसिल यूज करके अपनी सलवार में नाड़ा डालते हुए भी देखा था। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, और लिखने का काम, यही तीन काम देखे हैं। और मुझे बताएं पेन का और क्या काम हो सकता है? पेन से आप बेकिंग में भी कुछ कर सकते हैं, अपने होल वगैरह करने होते हैं। ओके जी, जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं आप जवाब दे सकते हैं। फैजा जी कहिए। पेन से आप बेकिंग में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका पेन साफ है तो। वो कैसे? आप डोनट्स वगैरह बनाने हो तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप उसमें सुराख भी इसके साथ कर सकते हैं। ओ, मिक्सिंग का काम लेने का। वेरी गुड। फैजा, मैं किचन में कभी गई नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन जब बन जाए तो आप मुझे बुला लें। अच्छा जी, उस्मान आप बताइए। मैम मैंने बता दिया कि एक गवर्नमेंट क्लर्क को देखा था, वो पेन के साथ अपने कान खुजा रहे थे, और किसी को देखा था कि उसने सलवार में नारा डालने के लिए पेंसिल का यूज किया, और फाइट में तो जो भाई ने बताया वो भी बच्चे करते हैं जब छोटे क्लासेस में होते हैं तब भी यूज करते हैं शरारतें करने के लिए, कभी इसको चुपो दिया और कभी दाएं वाले को, कभी सामने वाले को चुपो दिया, तो मल्टीपल पर्पसेस। बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दो अहम अल्फाज, एक होता है डिजाइन और एक होता है आर्ट, और दोनों में फर्क ये होता है कि आर्ट जब भी कोई बनाता है तो शायद उसका मतलब दुनिया को ना समझ आए। अगर मैं एक सफ़ेद रंग का कागज़ लूँ उस पर मैं चार लकीरें लगा दूँ तो शायद वो मेरे लिए कोई ना कोई मतलब रखता है, अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं समझा सकती हूँ, वरना ज़रूरत नहीं है, तो वो आर्ट है। लेकिन जो डिज़ाइन होता है ना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि डिज़ाइन की हमेशा कोई ना कोई यूटिलिटी होती है। आप चार लकीरें अगर लगा देंगे ना तो आपसे बंदा के पूछेगा कि अच्छा इसकी क्या यूटिलिटी है। तो जब मैं डिज़ाइन स्कूल में पढ़ाई कर रही थी सबसे पहली चीज़ हमको ये सिखाएगी कि आर्ट और डिज़ाइन में फ़र्क क्या होता है, और हम सबको ना डिज़ाइनर पहले बनना है, आर्टिस्ट बाद में बनना है, और ये जो डिज़ाइन की एबिलिटी होती है ना इसको हमें हर जगह अप्लाई करना है। आवाज कट रही है, अब आ रही है आवाज? आ रही है मैम।
हाँ मैडम आइए अभी। बिल्कुल सही, ठीक है मैं इधर ही अपना रखती हूँ ताकि हिलेना। तो मैं आपको बता रही थी कि आपकी क्रिएटिविटी कहाँ पे यूज होती है, आपकी डिजाइन थिंकिंग में। दूसरी बात ये है कि जब भी मैं और आप भी कोई चीज सोचते हैं या बनाते हैं तो वो हम इसका मतलब ये है कि हर चीज का जो सलूशन है ना, आपका कोई मसला हो कोई भी चीज, उसका जो सलूशन है ना वो इस दुनिया में मौजूद है, बस आपने जाके वो ढूंढना है। ये भी चीज हमको स्कूल में सिखाई गई थी ताकि जब भी हमारी जिंदगी में कोई भी मसला आए, जैसे आजकल कोरोना का मसला है, तो आप यकीन जाने कोरोना की भी वैक्सीन इस वक्त दुनिया में मौजूद है, सिर्फ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उसको इकट्ठे रख कर कोई फिगर आउट करके कोई ऐसी शक्ल देनी है, डेवलप करना है उसको, अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक और कहानी जल्दी से सुनाना चाहती हूँ इसी क्रिएटिविटी के ऊपर। एक मुजस्मे बनाने वाले हमारी हिस्ट्री में माइकल एंजेलो के नाम से बहुत मशहूर हैं, वो इटली में उनका इटली से ताल्लुक रखते हैं वो, और उनके बारे में एक मशहूर कहानी है। ओके आई होप मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है सबको। ओके सो माइकल एंजेलो के बारे में बार बार मशहूर कहानी है वो, चूंकि मुजस्मे बनाते थे तो एक उन्होंने बहुत मशहूर मुजस्मा बनाया, लेकिन उनके बारे में कहा जाता था कि वो ऐसे बैठ कर ना एक पहाड़ को देख ही जा रहे हैं देख ही जा रहे हैं, और लोग उनको दीवाना समझते थे, लोगों को लगता था कि ये क्या, इनको और कोई काम नहीं है, ये बस पहाड़ को देख ही जाते हैं। तो आसपास के लोग उन्हें कहते थे कि आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, पहाड़ को क्यों देख ही जा रहे हैं। तो वो कहते थे कि तुम सब लोगों को पहाड़ नजर आ रहे हैं लेकिन मुझे इसके अंदर दाऊद नजर आ रहा है। और उनका जो एक सबसे मशहूर तरीन जो मुजस्मा था वो डेविड का था, दाऊद का था। मैं आपको ये लिख के भी वर्ड देती हूँ ताकि आप उसको गूगल कर सकें और इस मुजस्मे को देख सकें। और ये हमारी ताकत है जहन की कि इस स्कल्प्टर ने, ये जो आर्टिस्ट था, इसने अपनी जहन की ताकत से उस पहाड़ के अंदर देख लिया, एक एक नक्श देख लिया कि अच्छा अभी जो मैंने अब एक्शन देना है वो मैंने ये देना है। और वो जमाना था जब कोई मैम आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, अब आ रही है आवाज मैम, आवाज ज्यादा कट रही है। ओके इसको पहले फिक्स कर लेते हैं। ओके अब आवाज आ रही है, लेकिन ये क्यों आ रही है? जी आ रही है, मैं काम करती हूं, मैं ये निकाल देती हूं। अब आवाज आ रही है सब? अब आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Clear. Yes. Okay. अच्छा नहीं अभी भी कट रही है। मुझे कोई No, ma'am. Clear. अच्छा बस ठीक है मैं पे कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं आपको एक और कहानी सुना रही थी माइकल एंजेलो की कि जिस तरह से उन्होंने डेविड को बनाया और वो कहानी कैसे थी। तो ये सब बातें ना हमको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देती हैं, एक अच्छी डायरेक्शन देती हैं कि अगर ये लोग अपनी जेन की ताकत से कुछ इतना नामवर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं और हम करेंगे। ठीक है अब हम देखते हैं कि अच्छे आइडियाज या क्रिएटिविटी आती कहाँ से है। वो तब आती है जब आप अपने क्रिएटिविटी के मसल को तंदुरुस्त रखते हैं, जैसे हम डाइट करते हैं वजन कम करने के लिए या जिम जाते हैं हेल्दी होने के लिए, एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, वैसे ही हमारे जहन का भी एक मसल होता है, और जहन का भी मसल होता है, हमारे दिल का भी एक मसल होता है, हमारी जहन की जो इंटेलिजेंस है उसका भी एक मसल होता है, वैसे ही हमारा क्रिएटिविटी का भी एक मसल होता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे आइडियाज आएं और सही टाइम पे आएं, तो आपको अपने इस मसल को सेहतयाब करना है. और वो आपने कैसे करना है, मैं आपको 3-4 तरीके बताने लगी हूँ. सबसे पहले तो ये कि जो आपका वो वक्त है जब आप लुत्फ़अंदोज़ होना चाह रहे हैं, आप एंटरटेन होना चाह रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम फिल्में देखते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, हम कैंडी क्रश खेलते हैं. मैं तो लूडो बहुत शौक से खेलती हूँ आजकल क्वारंटीन में. तो ये वो टाइम है जब आपका जहन सब वो चीज़ें अब्सॉर्ब कर रहा होता है. अगर आप अपने जहन को कचरा खिलाएंगे, जंक खिलाएंगे, तो फिर बाहर भी जंक ही आएगा. मैं आपको 2 मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में बताना चाहती हूँ जिनमें गेम्स हैं, लेकिन अगर आप उन गेम्स को खेलेंगे तो आपका जहन मजबूत होगा और वो इतनी मज़ेदार गेम्स हैं, आप जितनी मर्जी दफ़ा खेलें आपको बहुत मज़ा आएगा और उससे आपका जहन भी तेज़ होगा. और अगर आप इनको सर्च करेंगे तो इनके साथ हो सकता है आपको और भी ऐप्स मिल जाए. तो मैं यहाँ पे नाम देती हूँ, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. ये 2 डिफरेंट किस्म की मोबाइल एप्लीकेशंस हैं. तो ये होगी हमारी डाइट जो हमारे जेन के लिए जाती है. दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग रीडिंग करें. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन कुछ भी पढ़ने से, चाहे आप उर्दू के नावल पढ़ें, अंग्रेजी के नावल पढ़ें, या कुछ भी पढ़ें, सारे करता है और एक नया पर्सपेक्टिव, नए ख्याल की तकलीफ होती है. ऐसे एक और राइटर हैं, मैं आपको जी मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही. पहले लेट्स जस्ट फिक्स दिस आवाज वाला मसला. सेकंड अच्छा जी, आपको अभी भी आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम, अभी क्लियर आ रही है. अच्छा, क्योंकि ओके आ रही है मैम. अच्छा बाहरी, ओके फाइन, ठीक है. मैं कहाँ थी, मुझे तो भूल ही गया. मैं आपको गेम्स का बता रही थी, गेम्स के बारे में. तो मैं आपको 2 मोबाइल एप्लीकेशंस का बता रही थी. एक का नाम है एलिवेट और नहीं, एक आप रीडिंग में थे, रीडिंग पे आ गए थे. चलें ठीक है, हम आगे चले गए थे. आई होप कि ये 2 आपको आ गई है समझ, 2 मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में. यस. अच्छा, तो जरा यहाँ पे पॉज करते हैं और आपसे जरा मैं पूछूंगी, क्रिएटिविटी आपके लिए क्या है? कोई मुझे बताना चाहेगा, चाहे लिखकर या अपना हाथ खड़ा करके? मैम मैंने हाथ खड़ा किया. हाँ जी, मुझे बताएं फिर. जी जी बताइए. मैम आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही. मैंने कहा आप बताइए. हेलो हेलो, जी जी आप बताइए. उस्मान आप बताइए. यस मैम, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये है कि हमारे पास जो सलाहियतें हैं सोचने की, समझने की और किसी चीज की गहराई तक झांक लेने की, हम उनको यूज करें और हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या अपने गोल्स अचीव करने के लिए अपनी वो जो हमारी अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें अता फरमाई हैं उनको यूज़ करें. हम इनको पोशीदा या ख्वाबिदा सलाहियतें भी कह सकते हैं जिनको हमें टाइम के साथ साथ यूज़ करना सीखना पड़ता है और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में इनको यूज़ कर लेते हैं. बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है. कोई और शेयर करना चाहेगा? कोई और शेयर करना चाहेगा? जी कहिए. कोई
मैम कोई ऐसी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके कोई ऐसी चीज बनाना या कोई कोई ऐसा आइडिया देना जो यूनिक हो। बिल्कुल सही बेहतरीन। अच्छा आप सबके पास पेपर और पेन मौजूद है? जी मैम yes. जी है मैम, बाकायदा ऐसे बैठे हैं जैसे क्लास में बैठे हो। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है, तो अब हम एक जल्दी से एक एक्सरसाइज करते हैं और फिर हम रीडिंग के पॉइंट की तरफ वापस आएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपने सामने जो पेपर और पेन है, जब मैं आपको गो बोलूंगी तो आपने एक मिनट में उसके ऊपर सेब ड्रॉ करना है। हम बचपन में एप्पल बनाते थे ना स्कूल में, सेब, आई होप के सेब तो सबको बनाना आता होगा और रोजा भी लग रहा होगा सबको, तो हम सेब बना लेते हैं है ना, खा तो सकते नहीं है। तो जब मैं आपको गो बोलूंगी तो मैं यहाँ पे टाइम कर रही हूँ, ठीक है? तो आप सबने उस कागज के ऊपर जितने ज्यादा सेब हो सकते हैं आपने सेब बनाने हैं, ठीक है? जैसे मर्जी, टेढ़े मेरे, कोनों वाले, स्क्वायर, ट्रायंगल, गोल, मटोल, जैसे मर्जी, ठीक है? और जब मैं स्टॉप बोलूं तो फिर आप सबने रुक जाना है। आप सब मेरे साथ हैं? यस मैम। यस मैम। ओके, 1 2 3 गो। ड्रॉ करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। इतने ज्यादा से मैं तो आज पूरे मोहल्ले को इफ्तारी की दावत दूंगा। मैं आ रही हूँ, बस ड्रॉ करते जाएं, करते जाएं। मैम सेब देख के रोजा लग रहा है। कोई बात नहीं, मोमिन है आप, फिक्र ना करें। अच्छा जी, ओके, 5 4 3 2 1 स्टॉप। बिल्कुल रुक जाएं, पेन्स नीचे, मैं सबको देख रही हूँ। बस बस दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट, बस मेरी है एक तीसरी आंख। अच्छा जी, अब आप ऑनेस्टली मुझे मैम सेब तो सभी बना रहे हैं, जूस कौन बनाकर पिलाएगा? वो आपका बनेगा, सेब का थोड़ी ना बनेगा। अच्छा अच्छा, बस बस टाइम बहुत कम है। अब आप लोग मुझे चार्ट में लिख के बताएं कि आपने कितने सेब बनाए हैं, आप सब लोगों ने जो भी बनाया है, लेकिन वो सेब होना चाहिए। जल्दी से मुझे लिख के बताएं, नंबर बताएं। मैम 15। नहीं नहीं मुझे नंबर वहां पे चार्ट पे लिख के बताएं। ओके, 7 एप्पल्स, 22, 1 2 3 4 5 6 किसी ने बनाए हैं, 7 बनाए हैं, 31, 9, 8 ओनली, 14, 5, 5, किसी ने 51, किसी ने 20, किसी ने 7, किसी ने, अच्छा अच्छा एक सेकेंड, वेरी गुड एफर्ट। और अगर मैं आपसे कहूँ कि जब ये एक्सरसाइज मैंने की थी तो मैंने एक मिनट में 70 एप्पल्स बनाए थे, तो आपको कैसा लगेगा? तो एक दफा हम लोग फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है? स्माइला ने 74 बनाए हैं तंकीला जी, स्माइला ने 74 बनाए हैं। That's amazing, लेकिन मेजॉरिटी का मैं देख रही हूँ कि 17, 11, 5, 4, 3, तो हम जरा एक दफा सबको टेस्ट करते हैं कि क्या सब में पोटेंशियल है या नहीं है, तो हम दोबारा से करेंगे, ठीक है? अच्छी क्वालिटी थोड़े बनेंगे, कोई बात नहीं। आप सब मेरे साथ हैं, जब मैं आपको गो बोलूंगी तो आपने फिर दोबारा से बनाने हैं जितने ज्यादा हो सकते हैं एप्पल, ठीक है? 1 2 3 गो।
30 seconds left. Okay, 10 seconds left. Okay, stop. Pens down. क्या मुझे अब बता सकते हैं कि अब आप लोगों ने कितने एप्पल्स ड्रॉ किए हैं? नीचे आप टाइप करके मुझे बताइए. अब जरा मुझे थोड़े बड़े बड़े नंबर नजर आ रहे हैं. 60, 26, 40, 10, 26, 42, 58. ठीक है, वेरी गुड. कोई भी सिंगल नंबर नहीं है. और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने कोई 70 एप्पल्स नहीं बनाए थे तो आपको कैसा लगेगा? हमें शौक लगेगा. शौक लगेगा? नो मैम, सच लगेगा. अच्छा, आपको लगेगा कि मैंने धोखा दे दिया आप सबको, है ऐसा लगेगा आपको? नो मैम. अच्छा मैम, एक बात है कि आपके 70 एप्पल्स का सुनने के बाद स्पीड बहुत तेज हो गई. हमने कोशिश किया कि हम भी ये टारगेट अचीव करें और मैंने तो 72 कर लिए. एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बात है. दिखाना कौन सा एप्पल बनाया आपने 72. ये भाई ना, ये खाने वाले नहीं है. आपको क्यों दिखाऊं? रोजा लगेगा आपको. हां दोस्तों, प्लीज प्लीज फोकस करें, टाइम बहुत कम है. उस्मान एंड वाजिद, आप तो नहीं बात कर रहे हैं ना? हम बातें करेंगे बाद में, पहले जरा हम अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर लें. तो ये एक्सरसाइज जब हमने कर ली है, ठीक है, और बड़ा अच्छा समराइज किया आपने कि जब मैंने आपसे कहा कि मैंने 70 बनाए थे. जी जी मैम, आपने मुझे अलाउ नहीं किया, मेरा मैसेज नहीं आपको सेंड हो रहा. मैंने ग्रुप में मैसेज किया है. क्या है आपका मैसेज? ये मेरा मैसेज नहीं सेंड हो रहा आपको. मैंने ग्रुप में भी आपको मैसेज किया था, मुझे अलाउ नहीं किया आपने. मैंने अलाउ नहीं किया, बट मैंने तो यस मैम, मैसेज सेंड नहीं हो रहा है यहां से, मतलब. लेकिन ये आई थिंक इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का ही कमाल है. इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, कोशिश कर रहा हूं मैम. यहां से नहीं, जिस तरह आपने कहा कि ये एप्पल्स का, तो मैंने इसी का ही मैसेज करना था, लेकिन मेरा तो अलाउ ही नहीं है. मैं किस तरह करूं फिर? मैंने ग्रुप में भी आपको पिक्चर सेंड कर दी है. कोई बात नहीं, देखिए ये जो पूरी एक्सरसाइज है, जी, या पूरा जो सेशन है, ये आपके खुद के लिए है. तो अगर जवाब आपके पास है ना, आपको मालूम है, तो उसकी खैर है, ठीक है. जरूरी नहीं है क्या मुझे बताएं, एज लॉन्ग एज आप खुद पार्टिसिपेट कर रही हैं. तो वापस जाते हैं इस एक्सरसाइज पे कि इस एक्सरसाइज से आपने क्या सीखा. एक बात तो बता दी मुझे, आई थिंक उस्मान ने मुझे बताई है. बाकियों ने इस एक्सरसाइज से क्या सीखा है? कोई एक इंसान मुझे बता दे. मैम मेरे ख्याल से ये माइंड गेम है. अगर आप अपने आपके लिए खुद ही एक बार सेट कर लेते हो ना कि नहीं मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो वो आप अपने आप को लिमिट कर लेते हो. अगर आप अपने बार्स बहुत हाई कर लो तो फिर आप जो आपकी क्रिएटिविटी है ना, वो मेरे ख्याल से निकल के बाहर आ सकती है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने कहा. आप हैं अरूसा, राइट? थैंक यू अरूसा. और होता क्या है कि वो जो भरी हुई बाल्टी है वो ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद होती है. कभी कभी कोई आके आपको ट्रिगर करता है, इनकरेज करता है कि लुक आप कर सकते हो. जैसे मैंने झूठ बोला कि मैंने 70 बना लिया, तो आपके अंदर भी हुआ कि अगर ये कर सकती है, हम भी कर सकते हैं. अब आप एक और काम करें, आपके जितने भी एप्पल्स हैं आपके सामने, कोई एक एप्पल जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो उसको आप सर्कल कर दें या आप उसको टिक कर दें. और जब कर दें तो आप ग्रुप में मैसेज कर दें, अगर कर सकते हैं तो. बिल्कुल सही, आप सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं मेरे पास. वेरी गुड जुनैरा, ये तो बहुत ही कमाल ग्रुप है. मैं हाशु वापस आ रही हूँ. पूरे पाकिस्तान से टैलेंट है इस वक्त आपके साथ. मैंने इन सबके साथ काम करना है. अच्छा, अब कोई मुझे बता सकते, अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि जो एप्पल आपने सेलेक्ट किया है
वो कौन से नंबर पे आपने बनाया था, सबसे पहले बनाया था, सेकंड, थर्ड, वो कौन से नंबर वाला है? अगर बहुत बात करें तो कोई रैंडम नंबर बता दें, कोई मसला नहीं है, करीब करीब थर्ड टाइप करके मुझे बताइए. ओके, थर्ड नंबर पे था आपका, और बाकियों का seven. किसी का फर्स्ट पे था? वेरी गुड. आठवां नंबर में. आठवां नंबर, वेरी गुड. जवाब आने दूंगा. मी टू. मी टू मैम. मी टू क्या? मैम 10. मैंने दूसरे नंबर पे बनाया. मैम 32. वेरी गुड. तो ये बात आपको क्या सिखा रही है? कभी कभी आपका जो पसंद किया हुआ आइडिया होता है वो पहला नहीं होता. तो जब हम पहली गो में ही एक चीज अटेम्प्ट कर देते हैं और वो हमें पसंद नहीं आती, हम कहते हैं ले मैं तो ये कर ही नहीं सकती, या ये तो मैं कर नहीं सकता, है तो मेरी बस की बात ही नहीं है, और हम जाने देते हैं. लेकिन कभी कभी आपका जो 50वां आइडिया होता है वो आपको खुद पसंद आ रहा होता है, या आपके 50वें तक पहुंचे तक आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी होती है कि वो अब एक काबिले दीद होती है चीज, कि भाई अब ये कमाल की एक चीज बनी है आपका जो भी आइडिया है. तो यहाँ पर आपने क्वांटिटी को जरा देखना है. हम हमेशा क्वालिटी की बात करते हैं ना, लेकिन आइडिया जनरेशन में ना हमेशा क्वांटिटी पहले आती है. आपने हर किस्म का आइडिया बाहर निकाल के रखना है, अपने कागज पे लिखना है हर किस्म का आइडिया, चाहे वो अच्छा है बुरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप उन आइडियाज को पहले निकालें, और इस टेक्निक का नाम जो है वो है डाइवर्ज. मैं इसको लिख भी देती हूँ ताकि आपको पता हो कि आप डाइवर्ज करें. अंग्रेजी का एक वर्ड है कि आप हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे लाइट होती है ना, बत्ती जलाएं तो हर डायरेक्शन में लाइट चली जाती है, ऐसे आप भी अपने ज़हन की बत्ती जला रहे हैं तो वो हर डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगला स्टेप जो होता है, फिर हम सोचते हैं कि अच्छा हमारा मसला ये है, और उसके बाद हम एक और प्रोसेस में जाते हैं, उसको हम कहते हैं कन्वर्ज करना, यानी कि वापस लेकर आना. ठीक है, तो दोनों में अल्फाज यहाँ लिख रही हूँ. नेक्स्ट टाइम आप जब किसी भी सिचुएशन में हो तो आपने सोचना है कि अच्छा मैं अब डाइवर्ज कर रही हूँ या मैं कन्वर्ज कर रही हूँ. ठीक है, पहले आप डाइवर्ज करते हैं, फिर आप वापस आते हैं, और जो आपके जैसे अभी आपके 100 एप्पल्स थे, इसमें से आप 3 से 4 चुन लेते हैं. आप कहते हैं अच्छा आपने एक पिक किया ना, आप 3 से 4 चुन लेते हैं, फिर उन 3 से 4 में से आप एक चुनते हैं. तो ये आपका एक प्रोसेस होता है कोई भी प्रोजेक्ट करने का, कोई भी आइडिया निकालने का. लेकिन एक दफा पहले आपने अच्छी तरह से ना उल्टी की तरह सारे आइडियाज बाहर निकाल देने होते हैं, और ये दुनिया का हर साइंसदान, हर डिजाइनर, ये एक यूनिवर्सल तरीका है अच्छे आइडियाज लाने का. ठीक है, और ये एक्टिविटी आप ग्रुप में भी कर सकते हैं. ठीक है, आप क्या सब मेरे साथ हैं? Yes, ma'am. बिल्कुल सही जुनैरा, कि अच्छी क्वालिटी की चीज लाने के लिए ना सबसे पहले आपको क्वांटिटी पे फोकस करना है. क्रिएटिविटी का ये कसूल है, आपने बड़ा अच्छा इसको समराइज कर दिया. अच्छा, अब हम जरा आगे मूव ऑन करते हैं, हम एक और एक्टिविटी करते हैं. ठीक है, मैं आप सब लोगों को चैलेंज करती हूँ कि कोई ऐसा अल्फाज बनाएं या मुझे बताएं जो किसी भी जुबान में मौजूद नहीं है. ठीक है, तो कोई सा भी ऐसा अल्फाज जो आपके ज़हन में आ रहा है, आपने खुद से बनाना है. ठीक है, और वो किसी भी जबान में मौजूद है, अंग्रेजी का है ना, वो पंजाबी का है ना, उर्दू का है ना, आपकी मादरी जबान है, किसी का भी नहीं है, उसको आप जरा चैट बॉक्स में लिख दें. ठीक है, वेरी गुड रॉबिन्सन. जो भी आपके ज़हन में आ रहा है कोई एक ऐसा लफ्ज बनाए, आप कोई भी वर्ड वाजिद, खुद से बनाना है वो वर्ड. वाजिद अपना निकनेम नहीं बनाना, कोई ऐसा लफ्ज बनाना है जो लफ्ज हो. वेरी गुड रिमशा, वेरी गुड सुरैया, वेरी गुड शाम. नहीं, हमारा मैसेज टाइप नहीं हो रहा. कोई बात नहीं, आप मुझे खुद बता दें, जब टाइप ना हो तो आप बोल दिया करें. उस्मान, ये वर्ड है, ये वर्ड उर्दू का है. कैकशा, ये वर्ड अंग्रेजी का है. एल्टस, हाँ
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चमगादड़ अल्फाज नहीं है उस्मान, आपको क्या हो गया? अच्छा जी, अब जरा हम पॉज करते हैं इसमें से. अब हम एक अल्फाज उठाते हैं, अरूसा का अल्फाज उठाते हैं, ठीक है. उन्होंने कहा उडीपा. अरूसा जरा आप अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं आपका यही वर्ड है ना, उडीपा? यस सर, यस. ओके, अब अरूसा आप बताएं इस मतलब की, सॉरी इस अल्फाज की अगर कोई डेफिनेशन होती या मतलब होता तो वो क्या होता? मैम मे बी समवन हु जंप्स अ लॉट, जो बहुत जंपिंग करता है. क्या बात है, क्या आप लोग तो सब लोग अपने घरों में बैठ के अरूसा के लिए तालियां बजा सकते हैं. वेरी गुड वेरी गुड. ये है आप लोगों की पावर, आप लोगों ने बैठे बैठे एक लैंग्वेज बना ली है. अभी हम कुछ भी कह सकते हैं, ये अरूसापुर की अरूसी जबान है और यहाँ से, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, कहीं पे भी आप जाएं तो ये जो सारे हमारे गांव हैं या हमारी उर्दू जबान है या कोई भी आप जबान उठा लें वो ऐसे ही बनी है. किसी एक इंसान ने उठ के ग्लव्स बोल दिया, लो जी उसके नाम का मुल्क भी हो गया, उसके नाम की जबान भी हो गई. तो ये आपकी ताकत है. अब हम जरा एक और एग्जाम्पल करते हैं क्योंकि आई बिलीव ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है. हम उठाते हैं अल्फाज अनमोल का. अनमोल जरा आप करें अनम्यूट करें. अनमोल आपका वर्ड क्या है, खुद से बताएं. अनमोल, अनमोल है यहाँ पे हमारे पास. चले कोई बात नहीं, हम एक आई थिंक फिर लेट्स गेट गाय क्योंकि हमने पहले. ओके, एसन, एसन आप है यहाँ पर हमारे साथ, अपना अनम्यूट करें. एसन अनम्यूट कर सकते हैं? यस मैम. ओके एसन, आपका क्या वर्ड था? थमचून लिखा हुआ. बिल्कुल, अब आप बताएं इसकी क्या डेफिनेशन होगी, अगर डेफिनेशन होती तो इसका क्या मतलब है? थम के साथ है रिलेटेड. थम, आपने एक अल्फाज बनाया ना तो उसका मतलब बताएं हमें. मैं आपको बता रहा हूँ, अंगूठे के साथ इसका रिलेटेड है लफ्ज थम, थम के साथ. क्या आगे क्या, अगर आपने मुझे समझानी है बात और हम सबको तो आपके साथ से समझाएंगे. मैं आपसे पूछूंगी ये क्या है थमचुन सर, क्या होता है ये, आप क्या बताएंगे मुझे? थमचुन कोशिश करें, कोशिश करें, आप कर सकते हैं. अगर फिंगर के साथ मतलब थम को स्मैश करना थमचुन, अगर मैं कह दूंगा. अच्छा, आप इसको किसी जुमले में इस्तेमाल करें. जुमले में मैम मसलन अगर हम, मैं कह दूं कि मैंने अपनी 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 फिंगर पे अपना, प्लीज जरा खामोश हो जाए. जी जी ऐसा आप कहिए. मतलब मैं अगर बोर्ड होते अपनी फिंगर के साथ अपना थंब मार रहा हूं तो ऐसे कह सकता हूं. तो आप जुमला बनाए ना इसका, आप कोशिश करें. ऐसा अगर आप अभी नहीं करेंगे ना तो फिर आप कभी भी नहीं करेंगे. तो ये मौका है, हम सब आपकी आपकी सपोर्ट में आ गए. तो आप कोशिश करें थमचुन का एक वर्ड बनाए, सॉरी एक जुमला बनाए. मतलब मैं अगर मैं बैठा हुआ बोर हो रहा था तो मैं अपने मैं थमचुन कर रहा था. हाँ देखा. अच्छा, अब ऐसे के लिए जोरदार तालियां हो सकती हैं. क्या बात है बिल्कुल सही. और अब हमारे जो बाकी भी हमारे जो क्रिएटिव लोग हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छे एग्जांपल्स दी कि ये कोई बीमारी भी हो सकती है. वो कह सकता है कि वो थमचुन का शिकार है, या वो कह सकता है थमचुन ऋतिक रोशन खत्म हो सकते हैं. किसी किसी के थम का ऐसे मजाक नहीं उड़ाते, उनका एक कुदरती तौर पे है. फिर
ओके, अब हम जरा मूव ऑन करते हैं. अब आप लोगों को आई होप रियलाइज हो रहा है कि ये जो सलाहियत है ये आपके अंदर मौजूद है. थोड़ा सा खुद को पुश करने की जरूरत है कि अगर एक पॉसिबिलिटी है, अगर वो होती तो वो कैसे होती. इमेजिनेशन तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन इमेजिनेशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें. जो बेहतरीन आइडियाज हमको आते हैं वो तब आते हैं जब हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है, और हमारा दिमाग ब्लैंक तब हो सकता है जब हम मुराकबा करते हैं. इसलिए दुनिया के तमाम बड़े लीडर, तमाम लोग जो मूवमेंट आना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं और खुद भी खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो मुराकबा जरूर करते हैं. मुराकबा करने का बहुत आसान तरीका होता है, आपने किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर आपने अपना जो फोकस है अपने सांस के ऊपर रखना है और सांस लेना है बस. और जो भी आपको ख्यालात आ रहे हैं, अगर जबरदस्ती आ रहे हैं तो आप उनको आने दें, लेकिन अगर आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं कुछ देर के लिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है. और बिल्कुल ज़हन को आपने क्लियर रखना है, सुकून में रखना है. उससे क्या होता है कि हमारा ज़हन जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है, वो रीबूट हो जाता है. और बहुत सारी ऐसी बातें जो बेतुकी होती हैं, फजूल होती हैं, हम यहाँ बैठ के अपने पास्ट के बारे में सोच ही जा रहे हैं कि फलाने टाइम पे मैंने उसको ये जवाब क्यों नहीं दिया, फलाने टाइम पे मैंने उठ के ये क्यों नहीं कह दिया, हम सोच ही जा रहे हैं. अब कोई उसका फायदा नहीं है. हमारा ज़हन बिला वजह फ्यूल ज़ाया करे उन ख्यालात पे, वो अपना फ्यूल लगा सकता है बेहतर ख्यालात पे, इनोवेटिव ख्यालात पे, जो बेहतरी लाने वाले ख्यालात हैं उनके ऊपर. तो ये अब आपके अपने हाथ में है कि आप अपने ज़हन की मशीन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. ये बहुत टेक्निकल बात है. कहने को तो ज़हन सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन है हमारे जिस्म के अंदर, लेकिन आप फिर भी ज्यादा पावरफुल हैं. आप हुक्म दे सकते हैं अपने ज़हन को कि ये सोचो और ये ना सोचो, और अगर फिर भी ज़हन कोई ऐसे ख्यालात लाए तो आप फिर भी उनको ब्लॉक कर सकते हैं. ये साइंस है और ये चीज इम्प्रूव होती है, बेहतर होती जाती है जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं. मुराकबा जितना आप कम करेंगे आपको वो फटीग लगेगा, बुरा लगेगा. आप जितना ज्यादा करेंगे आप उसको एंजॉय करेंगे. और ये सारी बातें मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने आजमाई भी है, ठीक है. वापस जाते हैं रीडिंग की तरफ. आप में से बहुत सारे लोग रीडिंग अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. रीडिंग को हम देखते हैं एक जैसे मशगला है, एक हॉबी है, ऐसा नहीं है. दुनिया के कामयाब तरीन लोग रीडिंग को अपना बेसिक एक जिंदगी का हिस्सा समझते हैं. वो वक्त निकालते हैं कि उन्हें रीडिंग करनी है. और अगर आप चाहते हैं कि आप भी हट के यूनिक बने, आगे आए बड़े जिंदगी में, जो कि आई एम श्योर कि आप कर सकते हैं और करेंगे भी, तो आपको रीडिंग एक बहुत अहम अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा. लेकिन रीडिंग अब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किताब खोली और पढ़ना शुरू हो गया. अब तो बहुत सारी ऑडियो बुक्स भी हैं कि अगर आप सुनते हुए भी वो किताब पढ़ लें, सुन लें, तो वो भी पढ़ने के बराबर है. जैसे अक्सर मैं कोई काम करते हुए सुनती हूँ किताबें, मैं पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि शायद मुझे टाइम नहीं मिलता. और अब चूंकि क्वारंटीन में है तो मैंने अब बर्तन धोना शुरू किए हैं, तो मुझे बर्तन धोना भी बड़ा बहुत मुझे लुत्फानंदोज करता है क्योंकि मैं साथ साथ कोई ना कोई ऑडियो बुक सुन रही होती हूँ. तो आपका वक्त ऐसे जाया नहीं होता. लेकिन जहां पे लग रहा है कि अच्छा बड़ी फटीग हो रही है, वहां पे आपका एक मसल तैयार हो रहा है ज़हन का. तो नेक्स्ट टाइम आप किसी भी सिचुएशन में होंगे जब आपको मदद चाहिए तो वो आइडियाज आपको आएंगे. मैं आपको बता रही थी एक और जो है राइटर है, उनका नाम एलिजाबेथ गिलबर्ट है. मैं आप लोगों को कुछ वीडियोज के लिंक्स भी यहाँ पे दे रही हूँ, इनको आप देख सकते हैं. और इसके अंदर वो उन खातून की भी टेड टॉक है और डेविड के बारे में भी है और एक और आर्टिस्ट है उनके बारे में भी है. ये कौन जमाइयां ले रहा है? अच्छा, मुझे जमाइयों की आवाज आ रही है. अब अपना माइक म्यूट कर दें ताकि बाकी सबको भी नींद ना आ जाए. हम इसको पे थोड़ी देर में कंक्लूड कर रहे हैं. हमने आपको सिर्फ एक इतने बड़े गहरे टॉपिक का, जो अगर बिरयानी के बराबर होता तो उसका नमक चखाया बस. ये इतनी एक गहरी फील्ड है और जितना आप इसमें गोते लगाएंगे आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे. आपको अपने ही अंदर इतना खजाना मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे. और उसी में आपकी जिंदगी जब गुजरेगी ना, तो फिर किसी के कोई भी मसले आपको आपको तंग नहीं करेंगे. आप खुद एक सरमाया बन जाएंगे. और कोई भी अदारा इस दुनिया में किसी भी ऐसे इंसान को जान नहीं देता जो कि एक जखीरा हो ऑफ आइडियाज, जिसके पास इतनी वेल्थ हो, अच्छे आइडियाज हो, जब भी वो बोले कोई काम की बात करे, कभी भी कोई, चाहे लड़की हैं लड़के हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता. बहुत सारी खवातीन को ये इस बात का होता है कि हमें मौका नहीं मिलता, खवातीन को इदारों में जगह नहीं मिल रही.
मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग अपने क्रिएटिव मसल को स्ट्रॉन्ग कर लेना, मैं शर्त लगाती हूँ कि कौन सा वो दारा नहीं है जो आपके खुद पीछे नहीं आएगा. तो एक ऐसी सलाहियत है जिसको पॉलिश करना और नियत के साथ पॉलिश करना आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है, आपके जाती रिलेशनशिप्स में आपको फायदा देता है. आपको पता चलता है आपने कौन सी बात कहाँ पे करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी बात को आपने थोड़ा सा बेहतर बना के करना है, कुछ इस तरह के अंदाज में करना है कि वो जब प्रेजेंट हो तो आप डिफरेंट लगे. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपके इस मसल को बेहतरीन करती हैं. आखिरी बात मैं आपको बताती चलूं, एलिजाबेथ की जो एक राइटर थी, उन्होंने कहा कि जब आइडिया आपके जेन में आता है ना तो उसकी दुम आती है, उसकी सिर्फ आपको दुम नजर आती है और आपको उसको पकड़ना होता है. तो अगर आपको कहीं पे भी कोई आइडिया आता है तो अपने साथ एक डायरी रखें. मैं आज कैमरा नहीं ऑन कर सकी तो मैं आपको दिखाती कि मेरे पास एक गोल्डन कलर की डायरी है जिसको मैं अपने साथ रखती हूँ और मैं उसके अंदर अपने आइडियाज, तमाम आइडियाज लिखती हूँ. मैंने जिंदगी में 2 किताबें पब्लिश करवाई हैं, कुछ और लिखी हैं, लेकिन मुझे याद है कि अगर मुझे एक आइडिया अभी आ रहा है, कोई अच्छी बात आ रही है, अगर मैं उसको अभी नहीं लिखूंगी तो वो दोबारा नहीं आएगा. और ये बात मैंने बहुत ज्यादा नुकसान के बाद समझी. मैंने इतना सफर किया जिंदगी में, ट्रैवलिंग वाला सफर, और वहां जाके कई ऐसे मौके आए जब मैंने इंसानियत को देखा, उन चीजों को मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया, उन चीजों को मैंने लिखा नहीं, तो उससे मुझे नुकसान उठाना पड़ा. तो हमेशा अपनी जिंदगी में एक डायरी जरूर लिखें जिसमें आप डॉक्यूमेंट करें अपने दिल के ख्यालात. वो चीजें आपकी हेल्प करेंगी. आप जब अब आप हाशु में काम कर रहे हैं, हाशु तो काम ही करता है इंसानियत के ऊपर, तो वो सारी कहानियां जो आपकी अपनी है, जो आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जब तक आप अपने काम की जगह पे उन एक्सपीरियंसेस को नहीं लाएंगे तो फिर आप आगे चेंज कैसे लेकर आएंगे. हम सिर्फ लैपटॉप्स देकर और राशन देकर तो नहीं ना चेंज ला सकते. हमने दिल से दिल का कनेक्शन एक बनाना है कम्युनिटी के साथ, उनको बताना है कि हम उनके लिए, तो आपकी जो यूनिकनेस, जो क्रिएटिविटी है ना, वो यहाँ पर आती है. ठीक है, और मैं अब पूछना चाहूंगी अगर किसी के यहाँ पे कोई सवालात हैं तो हम उन सवालात को ले सकते हैं. मिर्जा एम, इमेजिनेशन का कोई नुकसान नहीं है. इमेजिन कोई भी चीज अगर आप सोच रहे हैं, खुदाना खास्ता अगर आप गुनाह भी कोई सोच रहे हैं तो उसका गुनाह नहीं होता. ठीक है ना, तो आपका जहन इतना पावरफुल है, आप कुछ भी सोच सकते हैं. लेकिन फर्क यह है कि अगर आप अच्छी चीज सोचेंगे तो उसकी एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी फिर आपके साथ रहती है, वो एनर्जी आप दूसरे को देते हैं. लेकिन अगर आप कोई नेगेटिव चीज सोचेंगे तो उसकी भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी. कुछ होगा नहीं असल में, सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो जो एनर्जी क्रिएट होती है वो हो सकता है कि आपको आपको कहीं ना कहीं एहसास दे कि अच्छा अब मेरे हालात बुरे ही हैं क्योंकि आप सोच रहे थे. बस ऐसे लोग हैं जो अगर सोचते रहेंगे कि मुझे कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, तो वो कोरोना तो खुदा ना खास्ता नहीं होगा, लेकिन उसका जो डर है, हो सकता है उस डर की वजह से कोई और बीमारी हो जाए. मैम आई हैव अ क्वेश्चन. जी जी बोलिए. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि इन सम ऑर्गेनाइजेशंस, ये अक्सर मैंने सुना भी है अपने फ्रेंड्स से कि जो सीनियर पोस्ट पे लोग होते हैं, वो जूनियर पोस्ट पे जो लोग, अगर वो उनको जाके ये कहें कि सर आई हैव सम आइडिया, आई हैव सम यूनिक आइडिया, तो उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, सिर्फ ये सोचते हुए कि इस बंदे की हैसियत ही क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन में, इसने किस तरह से जुर्रत की कि मेरे पास आके मुझे ये बोले कि मेरे पास एक आइडिया है. और अगर वो आइडिया दे भी दे तो सिर्फ ये सोचते हुए कि यार ये बंदे की क्या हैसियत है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी उसके आइडिया को वैल्यू नहीं किया जाता. मैम ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग जाते हैं मार्केट में जा रहे हैं, इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो बिल्कुल फ्रेश पर्सन हम लोग जाएंगे, तो वहाँ पे हमारे ऐसे डेफिनेटली जो 10 years 15 years एक्सपीरियंस वाले लोग मौजूद होंगे, तो वहाँ पे हम क्या फील करें, क्या हमें करना चाहिए? अब हमें पता है कि कहीं ऐसा ना हो, एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आइडिया को अहमियत ना दी जाए और आइडिया बहुत ही यूनिक हो, बहुत क्रिएटिव हो, जिससे भलाई भी हो सकती हो उस ऑर्गेनाइजेशन की और हमारी अपनी और अदर ह्यूमन बीइंग्स की. प्लीज इस पे थोड़ा बात करें. अच्छा उस्मान, जो आइडिया होता है ना वो एक चाबी की तरह होता है. ठीक है, अब आपकी चाबी जितनी मर्जी खूबसूरत हो जाए, अगर आपको उसके हिसाब का सही, उसका मैच करता हुआ ताला नहीं मिलेगा,
तो आप कोई फायदा नहीं उठा सकते उस चाबी से. तो अक्सर ये होता है कि हम जिस इदारे में काम कर रहे हैं हमारा आइडिया बहुत यूनिक होता है, लेकिन अगर हमारा कोई सीनियर है और वो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है और अगर उसको लगता है कि ये आइडिया मुनासिब नहीं है, ये बहुत गलत बात है. अगर वो आपकी पोजिशन को देख के आपके आइडिया को ठुकरा रहे हैं तो फिर ये तो उस बंदे की अपनी कमी है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है. तो आपको रिलैक्स ही रहना है, आपको इस बात को दिल पे नहीं लेना. ये उस बंदे की अपनी कमी है कि वो अपने जूनियर्स की, अपने सबॉर्डिनेट्स की पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि लीमू की तरह पूरी तरह से निचोड़ें अगले बंदे को, उसमें से टैलेंट निकालें और फिर आप अपनी टीम में उसको इस्तेमाल करें. अगर वो नहीं कर पा रहे तो वो एक अच्छे लीडर नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे लीडर हैं क्योंकि आप अच्छे फॉलोअर हैं. तो इन अदारों में क्या होता है, कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है कि अक्सर आपका जो टीम लीड होता है वो काफ़ी नैरो माइंडेड होते हैं या होती हैं, ठीक है, और वो आपके आइडियाज़ को नहीं समझ पाती. नो प्रॉब्लम, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने अपनी टीम लीड को रिस्पेक्ट देनी है. इदारे ने अगर उनको हायर किया है तो कुछ सोच के हायर किया है. और अक्सर ऐसे होता है कि आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उन आइडियाज़ की एप्लीकेबिलिटी उस इदारे में नहीं होती है या कोई उसको नहीं रीड कर पा रहा होता. इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आइडिया बुरा है. और ये चीज़ मैंने बहुत देर से समझी, बहुत देर से मुझे समझ आई कि तंजीला ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत बात कर रही हैं, लेकिन आपकी इस बात की अभी रिक्वायरमेंट उस इदारे में नहीं है, उनके मैंडेट में नहीं आती है और वो इदारा उनका है, ठीक है ना. तो हम किसी और के घर में घुस के अपनी तो नहीं ना चला सकते. जो उस घर का सरबराह है हमने उसकी बात सुननी है. और एक और बात, अगर आपको हायर करते हैं किसी भी कंपनी में तो आपको उस कंपनी का मैंडेट फॉलो करना है. आपको इसलिए हायर किया गया क्योंकि आप उनको जो उनके गोल्स हैं वो अचीव करने में मदद करेंगे, ना कि आप अपने आइडियाज लेकर आएंगे. तो इन दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है. तो आइडियाज आप दें जरूर, अगर वो एक्सेप्ट ना हो तो इस बात को बिल्कुल भी कभी दिल पे मत लीजिए. अपना कोई पर्सनल इशू आपने नहीं बनाना. जी जी तंजीला, थैंक यू वेरी मच. अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी थोड़ा आइडिया शेयर कर लूं जो मुझे आपकी बातों से समझ आया. और आप जी मुझे करेक्ट भी करते हैं अगर मैं सही समझी हूं. जी आपने क्रिएटिविटी की बात की और आपने हमें ये समझाया कि क्रिएटिविटी जो है वो हम अपने मसाइल को हल करने या अपनी पावर को मल्टीप्लाई करने में इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमें जरूरी नहीं है कि हमने आइडिया देना या क्रिएटिव होना है दूसरों के लिए. मतलब किसी भी इदारे में जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं इदारे को फायदा पहुंचाने की बात तो बड़ी बाद में करूंगा. मैं वहां से क्रिएटिव होना शुरू होऊंगा कि मैं अदारे में बेस्ट फिट कैसे बनूं. फॉर एग्जांपल, अभी हम सबको तंजीला ने बताया शुरू में कि तंजीला जो है वो व्हील चेयर पे है. अपने इस प्रॉब्लम के साथ तंजीला दुनिया के कितने मुल्कों का सफर कर चुकी है, कितने ये हाशु फाउंडेशन में आती है, वहां पे बहुत सारी चेयर करनी होती है, कि वहां कैसे आती है. आइडिया तो ये तब देंगी ना जब वहां जाके ये सीनियर के टेबल के सामने बैठेंगी, लेकिन इससे पहले इनको ये क्रिएटिव होना पड़ा होगा कि मैं ये सीढ़ियां चढ़ूंगी कैसे व्हील चेयर पे. तो वो जो सीढ़ियां चढ़ने का सफर होगा वहां से ही आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा. बाकियों के लिए हम आइडियाज बाद में ले आएंगे, पहले हम ये सोचेंगे कि हम अपने रास्ते कैसे खोलेंगे, वहां से हम क्रिएटिव होना शुरू होंगे, अपनी जात से क्रिएटिव होंगे. जब हम क्रिएटिव होते हैं, नए सॉल्यूशन सोचते हैं, मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं. सब लोग टांगों से चढ़ के सीढ़ियां चढ़ते हैं, तुम जिला कैसे चढ़ती है, इनके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, उनमें से इन्होंने कोई एक आइडिया सोचा होगा. पहले अपनी जात को, अपनी पावर को मल्टीप्लाई किया होगा और फिर वहां से जाके हम जब इतने इनोवेटिव हो जाते हैं कि हम बहुत सारे मसाइल पे हल कर लेते हैं, तो दूसरे लोग इससे पहले कि हम उनको आइडिया देना चाहें तो हमसे सुनना चाहते हैं कि आप हमें आइडिया दें. जैसे आज हम इस तंजीला से सुनना चाह रहे हैं. वी आर हियर अराउंड मोर देन 100 अटेंडीज इन दिस सेशन जो कि मिस तंजीला को सुन रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्रिएटिव है, इन्होंने अपने मसले हल किए हैं, इसलिए हम इनसे ये सुन रहे हैं कि हमें सिखाएं कि हम अपने मसले कैसे हल करें. तो ये जो क्रिएटिविटी का सफर है, मुझे ऐसे लगता है, जो मैंने सीखा आपकी बातों से अभी, ये हमें अपनी जात से शुरू करना पड़ेगा. जी तंजीला, बिल्कुल सही सुनहरा. और आपकी जात ही इतनी मुकम्मल और काफी है, आपको जितना भी सरमाया चाहिए होता है ये पूरी जिंदगी गुजारने का, वो हम लेके पैदा होते हैं.
तो इस यकीन के साथ हमें अपने मसलों की तरफ जाना है कि हमारे पास वो सारे टूल्स मौजूद हैं, उनको डिस्कवर हमने करना है, और ये हमारी जिंदगी का सफर होता है। आपने बिल्कुल सही की बात कि ये जो क्रिएटिविटी का सफर होता है ये हमसे ही शुरू होता है, और इसको डिस्कवर करने के लिए जो आज मैंने आपको सारे टूल्स बताए हैं कि आप अपनी एंटरटेनमेंट को बहुत इंटरेस्टिंग रखें, उस टाइम में उन चीजों पर फोकस करें जो आपके इस मसल को बेहतर करने में आपको मदद करे। और माशाल्लाह से दुनिया बहुत बड़ी है और हमारी जिंदगी एक्चुअली बहुत लंबी होती है, बहुत टाइम होता है, और इस टाइम को हमने यूटिलाइज करना है कि हम कोई ऐसी छाप छोड़ के जाएं कि अगली नस्ल हमारे जाने के बाद याद रखे कि अच्छा ये जो पौधा लगाया था अभी तक हम इसका फल खा रहे हैं। ठीक है, और ये आपका फख्र होना चाहिए कि जब आप दुनिया से गए तो आप कचरा छोड़ के नहीं गए, आप कोई ना कोई फायदा छोड़ के गए। तो ये जिंदगी का एम होना चाहिए। आप जिस मर्जी प्लेटफॉर्म से काम करें, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो इंसानियत की तरफ जानी चाहिए, और वो खुद ब खुद निकलेगी क्योंकि आपकी रूह आपका साथ देगी। मुझे बताइए आपके कोई और सवाल हैं? अच्छा, एक जनाब तो मुझे देखना चाह रहे हैं, तो सॉल्व करें। जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा मैम, मैं ये सब लोगों को एक बात बताना चाह रहा था कि गाइस, जो मैम तंजीला हैं उनके फेसबुक पर उनका अकाउंट है 5,92,000 से ज्यादा उनके फेसबुक पे लाइक्स हैं, जो मैम तंजीला के पेज को लाइक्स मिले हैं 5,92,000। दिस इज अ ह्यूज फिगर, ये कोई मामूली बात नहीं है। और मैम प्लीज अपनी जो अपनी बुक्स आपने लिखी हैं उनके बारे में कुछ बता दें, प्लीज अपनी बुक्स के बारे में बता दें कुछ, दो अपने बुक्स राइट की हुई हैं, आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था अपनी बुक्स का। मैंने बुक्स लिखी थी, मुझे अगेन लिखने का बहुत शौक था क्योंकि मुझे लगता था कि ये एक बहुत अच्छा टूल है, अगर आपको अच्छा लिखना आता है तो आप खुद के बारे में बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब मैंने पहली बुक लिखी तो तब मैं अपनी आई थिंक 16-17 साल की थी मैं तब, वो तब पब्लिश हुई थी, और वो एक कहानी थी, एक नॉवल था, जैसे ये शर्लॉक होम्स का एक एक नॉवल है, कहानी है, वो भी कहानी थी। और फिर मैंने अपनी दूसरी किताब लिखी जब मैं अपने आई थिंक कॉलेज के एंड में आखिरी साल था, मैंने तब लिखी थी, और वो कहानी एक पाकिस्तानी बच्ची पे थी जो बड़ी हो रही है और वो दुनिया को समझ रही है, उसके ऊपर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी है, वो मीडिया भी देख रही है, और फिर अपने अपने दीन को भी समझने की कोशिश कर रही है, अपने माशरे को भी समझने की कोशिश कर रही है। तो वो एक मोटिवेशनल किताब थी हमारी यंग बच्चियों के लिए। और मैं आप सबसे कहूँगी कि आप सब ने जिंदगी में किताब लिखनी है, आप सब ने लाइफ में एक गोल सेट करना है कि मैंने एक किताब लिखनी है। और अब किताब लिखना बहुत आसान है, आप उसको ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं, जब आप लिख लें तो आप अपने कलीग को चेक करवा सकते हैं। हमने इस तरह के जो गोल्स है ना वो अपनी लाइफ में सेट करने हैं। और मैं कहूंगी कि जी मैम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो आप एक रन कर रही हैं प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। पहले तो मैं हाशु के साथ काम कर रही थी और मेरा बहुत अच्छा सफर रहा, उसके बाद मैंने इदारा शुरू किया, वो एक ई कॉमर्स है, वो ख़वातीन के मसलों को सॉल्व करता है, जैसे कि जो ख़वातीन के मखसूस ज़ाती प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम घर पे डिलीवर करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाकों में ख़वातीन अभी भी एक्सेस नहीं, वो किसी भी मार्केट में जाके अपने लिए कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकती हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत तो है ना, तो हम फिर उनको ये घर पे डिलीवर करते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये एक सिलसिला शुरू किया, लेकिन उससे पहले मैं एक एनजीओ भी शुरू की थी मैंने, उसका नाम क्रिएटिव वैली था, और उसके अंदर हम लोग थिएटर के थ्रू आपको क्रिएटिविटी की कोर्सेज कराते हैं। और अगर जुनैरा अलाउ करें तो इंशाल्लाह जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक फिज़िकल वर्कशॉप रखें आप सबके साथ, जिसमें हम थिएटर का इस्तेमाल करके आप सबको सिखाएं टेक्निक्स कम्युनिकेशन की, और किस तरह से आपने थिएटर के थ्रू उसकी जो टेक्निक्स हैं आपने अपनी जिंदगी के मसलों को सॉल्व करना है। तो ये मेरी एक जर्नी रही है जो कि बहुत बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ, जब हम क्रिएटिव होते हैं, होना चाहते हैं, किसी मसले का हल ढूंढ रहे होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिजिस्ट करते हैं? या फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दूं, इफ आई एम रिलैक्स्ड तो आई एम मच मोर क्रिएटिव, या कोई आप पे प्रेशर नहीं है, आपको किसी का डर नहीं है, तो वो आप कहते हैं ना खुल के खेलते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे आइडियाज के साथ आते हैं।
बट समटाइम्स देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जब आपका दिमाग बिल्कुल स्टक हो जाता है, तो क्या क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को रोक देते हैं? जनेना, अगर ऐसे हालात पैदा हो जाए ना, तो आप समझ जाए कि आपका जो क्रिएटिविटी का मसल है ना, वो सख्त कमजोर है और उसको जिम की जरूरत है, या वो भूखा है, उसको आपने खाना नहीं खिलाया, तो उसको आपने गजा देनी है। तो हम जब कभी कभी अटक जी, या फिर आप कहीं सही जगह पे बैठे नहीं हुए, वो आपका एनवायरनमेंट नहीं है कि जहां आप क्रिएटिव हो सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारी सही जगह है ना, वो हम खुद हैं। तो हम कहीं पे भी क्रिएटिव हो सकते हैं, हम कहीं पे भी पीसफुल हो सकते हैं, एनवायरनमेंट से वो फर्क नहीं पड़ता। बल्कि हमने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेना है और इतना खुद में एक्सपर्ट हो जाना है जब क्रिएटिविटी की बात आती है, कि हमको किसी भी सिचुएशन में कहीं पे भी रख दिया जाए तो हम उस मसले को सॉल्व कर सकें। मैं आप सबको एक दिली से वाक्य भी सुनाना चाहूंगी कि मेरा इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ, और उन दिनों में आपको वीजा तो मिल जाता था, लेकिन जब आप वहाँ जाते थे तो आपको वहाँ पे जाते हुए भी एक दफा पुलिस स्टेशन में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती थी, और एक दफा आते हुए भी। ठीक है, तो जब ये मामला पेश आया तो हमने कहा कोई मसला नहीं, हमारे जो ऑर्गेनाइजर थे वो हमको ले गए। और जब हम वहां गए तो उन्होंने हमसे उठपटांग सवाल पूछना शुरू कर दिए कि फलाना डॉक्यूमेंट कहाँ है, फलाना डॉक्यूमेंट कहाँ है। और उन्होंने इतना लंबा हमको एक प्रोसेस दे दिया कि अगर मैं उसमें पड़ जाती तो मैं फिर वो इवेंट नहीं अटेंड कर पाती। ठीक है, अब वो एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी मेरे लिए, मैं थी, मेरी वालदा भी मेरे साथ थे, और एक वो आप किसी और मुल्क के थाने में बैठे हुए हैं, तो वो आपके लिए तो बिल्कुल भी एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, स्पेशली अगर आप एक खातून है और आपके नाब वालिद हैं, आपके भाई हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे अभी भी याद है कि मैंने जो वहाँ पे हवालदार थे उनके साथ बैठ के गपशप की, और मैंने कहा कि मैं इंडिया के थाने में आ तो गई हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पे चाय पीऊँ, तो आप चाय तो मंगवाएं मेरे लिए। तो उन्होंने चाय मंगवाई, और थोड़ी देर बैठ के उनसे जब गपशप की तो उनको समझाया कि हम यहाँ पे अच्छी नीयत से आए हैं, एक अच्छा पैगाम लेकर आए हैं, तो इसलिए आप हमें एक्सक्यूज कर दें। तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन सेटल डाउन हो गई और हम लोग वापस अपने इवेंट पे आए। हमारा बहुत अच्छा वो ट्रिप रहा, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे दोस्त बने और वापस आ गए। और फिर मैंने सोचा कि अगर उस सिचुएशन में पैनिक करती, अपने जेन को ना लड़ाती कि अच्छा मैंने अब उनसे अब ये मैं कश्मीर की बात ना शुरू कर दूँ, या मैं उनसे कोई ऐसी बात ना शुरू कर दूँ जिससे ये और हॉस्टल हो जाए मेरी तरफ, मेरे लिए मसला बढ़ जाता। ठीक है ना, तो जुनैरा यही वो क्रिएटिविटी है जो हमको लेकर आनी है हर इस सिचुएशन में। बहुत शुक्रिया तंजीला। अगर किसी और का कोई सवाल नहीं है तो हम तंजीला से इजाजत चाहेंगे फिर इस कमिटमेंट के साथ कि हम दोबारा जब भी तंजीला आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए जरूर निकालेंगे। मैं बहुत खुशी के साथ आऊंगी जुनैरा, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने सेशन रखा, मुझे बुलाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो, ये लॉकडाउन खत्म हो, ताकि हम कुछ बेहतरीन एक्शन कर सकें इंशाल्लाह। मैंने तो शेयर कर दिया कि मैंने क्या सीखा, अगर हमारे ट्रेनिंग में से या पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी शेयर करना चाहता है कि उसने आज के सेशन में से क्या सीखा, तो कोई एक वर्ड अगर एक दो लोग शेयर करना चाहें तो प्लीज। मुझे बहुत खुशी होगी, प्लीज डू शेयर। आपने जो भी इंडिया वाला वाकया सुनाया, मैंने उससे ये सीखा कि आपके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो बहुत ज्यादा है। आपने मौके पर जो डिसीजन लिया वो बेहतरीन लिया। अगर आप सही कहा, आपने अगर किसी छेड़ती तो शायद आपकी मुश्किलें बढ़ जाती। बिल्कुल मोहम्मद मोहसिन, और इसके अलावा और कोई जल्दी से। मैम, मैंने ये सीखा कि ना उम्मीद नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, ना उम्मीद हुए बगैर काम में लगे रहना चाहिए। बिल्कुल सही पैसा, वेरी गुड पैसा। वालेकुम सलाम मैम, मैं अभी अभी आई हूँ और मैंने आपको जितना सुना है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, और एक मेरी विश हो गई है कि मैं आपसे मिलूं भी, तो मैं इंशाल्लाह क्यों नहीं। तो आप जरूर हाशु आइएगा और एक दिन हमारी क्लास में भी। ठीक है, मैम मैंने ये सीखा है, एक्सक्यूज मी, हेलो मैम। जी जी, मैंने ये सीखा है कि सबसे बेहतर जो लाइफ गुजारने वाली है वो वही लाइफ है, सबसे अच्छी लाइफ जो गुजरने वाली, कि जो इंसानियत की या लोगों की भलाई के लिए
गुजारी जाए। जो मैंने आपसे ये सीखा पर्सनली, जैसा कि मैम जुनैरा बता रही थी कि आप व्हील चेयर पे हैं, तो ये कैसी कैसी हैरानगी वाली बात है कि एक इंसान जो खुद नहीं चल सकता वो बाकी सबको चलना सिखा रहा है। इससे ज्यादा बड़ी चीज मैम मैं आपसे मुझे नहीं उम्मीद के कुछ सीखी जा सकती है कि आप दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, आप जो जो खवातीन के बारे में बात कर रहे थे, तो मतलब कितनी अच्छी बात है ये कि आप दूसरों के काम आ रहे हैं और दूसरों को चलना सिखा रहे हैं। और आई एम श्योर कि मैम आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि मैं चल सकती। थैंक यू उस्मान, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। इतना खूबसूरत जुमला उस्मान ने बोला, और हम इसी जुमले पे कि जो खुद नहीं चल पा रही लेकिन वो हम सबको चलना सिखा रही है, और बहुत सारे लोगों को तनकीला चलना सिखा चुकी है। बहुत शुक्रिया उस्मान के जुमले के साथ। तनकीला, आपके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं भी हैं, बहुत सारी दुआएं, और ये हमारे साथ जितना भी इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर, हमारे यंग टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं, इन सबके लिए भी बहुत सी दुआएं हैं। और हम तनसीला आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कभी फेसबुक पे या कहीं हमारे थ्रू भी आपको कॉन्टेक्ट करते हैं तो प्लीज आपने हमें, हम सबको जरूर सपोर्ट करना है, गाइड करना है, काउंसल करना है। बहुत सारा आपका शुक्रिया, और लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू विद अस इन सम अदर सेशन। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जुनैरा, बहुत शुक्रिया।